लैंड। अभी हम लोग आए हैं पटना मरीन ड्राइव पे और अब भी चलाने वाले अपनी जी 900 को, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो का आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड दिखाते हैं पूरा मरीन ड्राइव आप लोगों को। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस मरीन ड्राइव पे। और भाई अपनी बाइक तो कुछ ऐसी भाग रही है, बट यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल आराम से चलाएंगे, भगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली पूरा अभी तक ओपन नहीं हुआ है, बहुत जगह अभी बैरिकेड्स आपको दिखेंगे, तो इसलिए थोड़ा अनसेफ है ये। तो आई वोंट सजेस्ट कि यहाँ पे आप लोग आकर स्पीडिंग वगैरह करो, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल आराम से राइड करो। एंड इधर का जो मतलब इन्वायरमेंट है बहुत ही अभी अच्छा, देख सकते हो सुबह सुबह सब लोग वॉक करने वगैरह आते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड पटना के लिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैफिक होने लगे थे ना पटना में, उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना तो ये रोड बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, जो कि सीधा आपको कनेक्ट कर देगा DMCS को दीघा से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप लोग को कुछ भी वैसा इमरजेंसी है, आप लोग यहाँ से गांधी मैदान भी आगे से उतर सकते हो, तो ये पूरा जो रूट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं किसी दिन यहाँ पर आके ड्रोन शॉट्स वगैरह लूँगा, मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि भाई यहाँ पे आऊँगा वीडियो बनाऊँगा, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था अभी होगा, तो फिर अभी मैंने सोचा चलो इसको शूट कर लेते हैं। एंड अभी सुबह के बज रहे 6:30, तो सुबह सुबह आए अपन शूट करने। और जो ये रोड है ना गाइस इतना ज़्यादा प्यारा है, लाइक एलिवेटेड पे प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें जॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, बट इस रोड में उतने ज़्यादा जॉइंट्स नहीं है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है मिलता है आपको अटल पथ से, और अटल पथ जैसे इसमें लिंक हो जाएगा ना तो उसके बाद इधर आने का भाई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। मतलब अटल पथ पीछे है, इधर हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गांधी मैदान, और अगर हम लोग और सीधे चले जाते हैं तो NIT की तरफ चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा बना ये वाला गंगा मरीन ड्राइव, अभी एक्चुअली इसका यही नाम है गंगा मरीन ड्राइव, बट एग्जैक्ट नेम कुछ अगर होगा तो वह अभी पता नहीं, तो आगे बता दिया जाएगा। इधर तो विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आई होप कि माइक में ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा हो। इधर विंड ब्लास्ट सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकदम क्लोज टू गंगा रिवर, इधर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में गंगा रिवर है, तो इस वजह से इधर विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। एंड ये रहा पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ से पूरा इसका मटेरियल वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर बनता है, जो कि कंस्ट्रक्ट होकर फिर यहाँ पर आके उसे सेट कर दिया जाता है। तो होपफुली कुछ ही टाइम में ये प्रॉपर रन में हो जाएगा, सो दैट कि बाकी भी पब्लिक इधर आ सके। अभी देख सकते हो बहुत कम आपको व्हीकल्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, रोड पे पब्लिक ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा है एज़ कंपेरेबल टू बाइक्स एंड व्हीकल्स। और भाई ये वाला पार्ट ना बिल्कुल इस पर आराम से चलाने का, बाइक इतनी ज़्यादा इस पर स्किड करती है ना। मैं ना अभी यहीं तक आया हूँ, इसके आगे मैं गया नहीं हूँ वहाँ वाले पार्ट तक, तो देखते ये कहाँ तक ओपन हुआ है आज। लास्ट टाइम मैं आया था 3-4 दिन पहले, तो अभी देखते कहाँ तक ओपन है। तो अभी देखो यार ऐसा ऐसा रोड है, मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सही है, भाई साहब ये देखो भाई बाइक क्लॉक 194-195, बहुत ही मज़ेदार था ये। और अपने राइट हैंड साइड में सभ्यता द्वार, ओ पानी था भाई, तो आई गेस इसके आगे अभी अपन नहीं जा सकते, यहाँ से ब्लॉक्ड है आगे पूरा। तो देख सकते हो गाइस अपने राइट हैंड साइड में सभ्यता द्वार, अभी एक्चुअली दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं GoPro से शूट कर रहा हूँ, और आगे तो ब्लॉक्ड है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ भाई मरीन ड्राइव का, ऐसा ही कुछ व्यू है। ये रास्ता आपको निकल जाता है टुवर्ड्स गांधी मैदान, और ये अभी प्रॉपर खुला नहीं है बट इट्स इन वर्क, तो यहाँ से लोग आ जा सकते हैं। तो अभी रोकते हैं बाइक को। Few moments later. नहीं बोल रहे हैं कि पावर पाइप लगा वो सेंसर है, अगर स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ पे रीडिंग देता होगा। हाँ अच्छा गाड़ी है, गाड़ी का देख रहे थे हम आपको बहुत देर से, देख रहे थे मेरा गाड़ी को घूर रहे थे, घूर ही रहा सकते नहीं, मतलब अच्छा है तब ना घूर रहे होंगे। ये क्या लगाया गया?
कैमरा है ये अच्छा। आपका आ गया वीडियो। अभी मैं यहाँ पे बाइक पार्क करके गया था, एक्चुअली भूख लगे था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं और साहिल गया था कुछ खाने के लिए। तो अभी मैंने देखा यार कि बाइक को बहुत देर से लोग घूरे जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते यार पसंद आ रही या नहीं आ रही। एक बारी मैं ट्रैक्शन ऑफ करता हूँ। नाउ इट्स ओके, गुड टू गो। अगर पावर फुल में ट्रैक्शन ऑफ कर दिया ना आपने, तो भाई ये बाइक ना मतलब सीधा व्हीली होने लगती है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको भाई प्रॉपर कमांड नहीं है बाइक पे, तो प्लीज़ ये ट्राई मत करना कभी भी नहीं। एंड एक और सजेशन रहेगा गाइस, जैसे आप कभी भी अगर किसी फ्रेंड की बाइक चलाते हो, देखो नॉर्मल बाइक्स में ना एक पल के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इन सुपर बाइक्स एक तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार कि ट्राई करो कि नहीं चलाओ, या फिर अगर चलाते भी हो कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है भी तो बिल्कुल प्यार से चलाना, डोंट ट्राई टू थ्रॉटल इट आउट। क्योंकि ना ये बाइक ना बहुत ही डिफरेंट होते हैं, मतलब जो सुपर बाइक्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई बाइक, मैं सारे सुपर बाइक्स का बता रहा हूँ, ये ना बहुत ही जल्दी इनिशियली पिकअप पकड़ते हैं और बहुत ही अजीब रिएक्ट करते हैं, जिससे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ इट। और अभी मैं मरीन ड्राइव को ज़्यादा नहीं कवर अप कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, फिर भी मैंने थोड़ा भगा दिया बाइक को। तो उतने रश में मैंने सोचा कि चलो अब इतना ही रखते, ज़्यादा वहाँ पे घूम के कोई मतलब था नहीं, बट वहाँ का ड्रोन शॉट्स वगैरह काफ़ी एपिक आएगा, तो अपन लेंगे ज़रूर वहाँ पे ड्रोन शॉट चल के किसी टाइम। अभी तो बस चल रहे वापस घर की तरफ। ओह माय गॉड। तो गाइस कमेंट करके अब आप लोग सजेशन दो कि मैं इस बाइक में कौन से एग्जॉस्ट डालूं। देखो मेरा बहुत सारा ऑप्शन मेरे माइंड में आ रहा है, तो अभी मेरे को खुद नहीं समझ पे आ रहा क्या मैं करूं, कौन सा डालूं। बाइक अभी मैंने ज़्यादा चलाया भी नहीं, मैं सोच रहा जब इसकी सेकंड सर्विस हो जाएगी, लगभग सेकंड सर्विस इसकी होगी अराउंड 5000 to 5500 किलोमीटर्स, बाइक को मैंने 3000 प्लस चला दिया है तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, और सेकंड सर्विस जब होने जाएगी उसी टाइम मैं सोच रहा हूँ कि उसी टाइम एग्जॉस्ट भी डलवा दूँ बाइक में। तो तब तक के लिए गाइस आप लोगों को वेट करना होगा। एंड अभी तक यार बाइक का नाम भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रखूँ, बहुत लोगों ने गॉडज़िला बोला, किसी ने माफिया बोला, किसी ने ब्लैक बीस्ट बोला, किसी ने बम्बल भी बोला, तो मेरे को सीरियसली कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे को ना कुछ यूनिक सा चाहिए, और जैसे वो कुछ एक स्पेसिफिक नाम समझ में आ जाएगा तो मैं इसका एक प्रॉपर अच्छा सा नाम रख दूंगा। ऑल दो बाइक थोड़ी अपनी मतलब क्या बोल सकते हैं, यूनिक है, अपनी ड्रीम बाइक है, तो नाम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए। लाइक जैसे वैम को लोग जानते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि अपनी इस Z900 अपनी इस बेबी बीस्ट को भी लोग जाने। तो आपको भी पता है कि यार लोग वैम को वैम के नाम से जानते थे, ना कि R15 के नाम से, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस बाइक को भी लोग Z900 नहीं जबकि इसके नाम से जाने। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ ऐसा नाम रखूँ इस बाइक का, कुछ यूनिक सा। वैसे तो यार अभी तक सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक मेरे दिमाग में ना कुछ भी एक स्पेसिफिक माइंड में नहीं आया कि एक होता ना कि हाँ चलो ये रखा जा सकता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है तो। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:23 यार, सुबह सुबह देखो मतलब निकला था मैं लगभग 6 बजे शूट करने, फिर यार करते करते कुछ कुछ काम वगैरह सब कुछ करके, और सुबह सुबह पता नहीं भूख कैसे लग गया बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो एक्चुअली मैं रात को खाया नहीं था तो इस वजह से भाई भूख भी लग गया। सुबह नींद जल्दी जब खुल जाता है ना तो भूख भी बहुत जल्दी लग जाता है, तो हम लोग ने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। और तो मैं अभी जाऊंगा वीडियो एडिट करूंगा, इट्स ऑलरेडी 8:24। देखो जितना जल्दी वीडियो होगा, ये वीडियो आज ही पब्लिश करना है मुझे, इट मीन्स कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे वो लोग द डेट इज़ 15 जून और ये वीडियो भी आज ही पब्लिश होगी। तो भाई बहुत ही मेहनत करना पड़ता है यार ये डेली वीडियोज़ के लिए, और मैं था नहीं इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था। ऑल दो मैंने ड्रैग रेसेस वगैरह शूट किए थे तो वो मैंने अपलोड कर दिया था, बट आप लोग को चाहिए भाई इस पर, अब मैं क्या ही बोलूँ, इस पर करने के लिए अपने को डेली व्लॉग करना पड़ेगा। यार ये रोड पूरा गीला हो रखा, ये भाई देखो ये क्या, ये क्या, इसमें बाइक का फ्री वॉश हो जाएगा बट मुझे कराना है नहीं, ऑलरेडी बाइक अपनी क्लीन है। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, मैं रांची से बाइक को चला कर आया और रांची से आने के बाद बाइक को वॉश भी नहीं कराया, एंड अभी देख सकते हो कितनी साफ दिख रही है अपनी मशीन। मतलब ना जैसे इसका ट्रैक्शन ऑफ होता है ना, तो भाई एक पल के लिए भी ना पावर लैग नहीं होती है, क्योंकि आप
अगर व्हील स्पिन भी हो रहा है तब पर भी थ्रॉटल नहीं छोड़ती है, क्योंकि मैंने ट्रैक्शन ऑफ कर रखा है। KTRC मीन्स कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, तो आप सबको पता होगा ये कावासाकी का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। एंड और बहुत सारी चीज़ है भाई अब इसमें जो कि अभी मुझे भी नहीं समझ रहा। एक चीज़ ये देखो, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसको अगर अपन थोड़ी देर तक दबाते तो डिस्प्ले का ये जो कलर टोन है वो चेंज हो जाता है, ये वाइट हो गया, अभी डार्क था। तो डे टाइम में ये अच्छा है, और अगर रात में हमें वो रखना तो वो रख सकते हैं। इसमें एक सेंसर भी यहाँ पे है, ये देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट होगा, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो उस सेंसर के अकॉर्डिंग ना, मतलब ये जितना जैसा लाइट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका ब्राइटनेस एडजस्ट होता है ऑटोमेटिकली। तो ये सब फीचर्स बाइक में होना बहुत ही मतलब अच्छी बात है। ऑल दो रात वाला जो मोड था वो ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि थोड़ा डार्क मेरे को डार्क थीम ज़्यादा पसंद है। बट अगर बात करते हैं दिन में तो इस पर आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो आप ये भी कमेंट करके बताना कि दिन में अगर मैं राइड करूँ तो इस मोड पे रखूँ या डार्क मोड पे। अबे यार ये पूरा का पूरा रोड क्लीन करने के चक्कर में इन्होंने बिगाड़ रखा है। तो अपन बिल्कुल आराम से चलेंगे घर की तरफ। एंड बाइक का माइलेज क्या रहा अभी, तो एवरेज 19 शो कर रहा है, जो कि ये दे नहीं रहा, मतलब ये एवरेज टोटल एवरेज जब से मैं बाइक चला तब से बता रहा, बट करंट माइलेज अगर देखो तो 10, 11, 12 मैक्सिमम, शहर में उससे ज़्यादा नहीं देता है। एंड मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इस बाइक से। तो गाइस बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ।